हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में बहुत ही कमाल का गजब का किचन टिप्स लेके आई हूँ, जिसको देख के आप यही सोचेंगे कि ये किचन टिप्स आपको पहले क्यों नहीं पता था। तो चलते हैं सबसे पहले किचन टिप्स की तरफ। पहला किचन टिप्स हमारा ये है अंडे को लेकर। अंडे को जब भी हम उबालते हैं, किसी भी बर्तन में उबालते हैं, तो साइड में काला काला हो जाता है और छुड़ाने पे जल्दी छूटता नहीं है। उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, नींबू हमारे घर में अक्सर पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है, अंडे में नींबू को डाल देना है। अरे खड़ा नहीं डालना है, कट करके डालना है। एक नींबू लें, उसका आधा पार्ट कट करके ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा निचोड़ दें, उसके बाद ऐसे छिलके सहित डाल दें। आप जितना अंडा उबालने के लिए रखेंगे उसी अकॉर्डिंग आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे। नमक इसलिए मैं आपको डालने के लिए बता रही हूँ कि नमक डालने से अंडे फटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे उबल के तैयार होते हैं। अब ये नींबू डाल दिया है हमने, अब इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। जब भी आप अंडा उबालें, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम ना रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे अंडे जल्दी से फट जाते हैं और सारे अंडे बह जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा और आपके साथ हुआ भी होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ बहुत ही कमाल का है। आप इस तरीके से अंडा जरूर आप अपने घर में उबालें और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपका अंडा कैसा उबला हुआ है। तो यहाँ पे अंडा उबल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पतीले में एक थोड़ा सा भी काला सा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने कई बार अंडा उबाला होगा, बिल्कुल साइड साइड में काला सा हो गया होगा। ये थोड़ा सा भी नहीं हुआ है और अंडे भी अच्छी तरह से उबल गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। इस प्रोसेस से अंडे में आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी क्रैक्स भी नहीं आया हुआ है और कितने अच्छे से अंडे उबले हुए हैं। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और पानी को निकाल लेंगे। अभी हम अंडे को छील के भी आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसका छिलका भी निकल जाता है। बहुत ही कमाल का टिप्स है। किनको किनको ये टिप्स पता है वो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और जिनको नहीं पता है वो भी हमें कॉमेंट करके प्लीज बताएं। आप लोग कॉमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है आपका कॉमेंट देख के। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही गर्म है, काफी गर्म है अंडा, फिर भी मैं आपको छिलके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से छिलका निकल जा रहा है। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा? अगर हमारा टिप्स आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब चलते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा लहसुन को लेकर है। क्या होता है, अक्सर हम लहसुन छीलने में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अकेले बैठ के सुनसान जगह पे हम लहसुन छील नहीं सकते हैं। क्या होता है, अक्सर करके टीवी वगैरह जहाँ रहता है सब लोग बैठे रहते हैं और हम सोचते हैं बैठे बैठे अपना काम कर लें। पंखा चलता है और जब पंखा चलता है तो लहसुन बहुत ज्यादा ही उड़ता है, तो पंखे के पास तो हम लहसुन छील नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही मजेदार तरीका है। इसको देख के आप यही सोचेंगे कि ये तरीका अब तक हमें क्यों नहीं पता था, और ये तरीका जब आप जान लेंगे तो आप भी एकदम पंखा के सामने ही बैठ के लहसुन छीलेंगे। कोई डर ही नहीं रहेगा और कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा फैलने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, लेना है 1 कटोरी में पानी और ऐसे सारे लहसुन को अलग अलग कर लेना है जैसे मैंने किया है, ऐसे प्रेस करना है और इस तरीके से उसका छिलका छील के पानी में डाल देना है। इस तरीके से आप पंखे के सामने ही लहसुन को छील सकते हैं और जितना चाहे उतना लहसुन आप छील सकते हैं। बहुत ही कमाल का टिप्स है और बहुत ही गजब का आइडिया है। ये आइडिया किसको किसको पता था, जिसको जिसको पता था वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके साथ टीवी देखते हुए पंखे के सामने बहुत ही आसान तरीके से आप लहसुन को छील सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से जितना चाहे उतना लहसुन छील सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा, अगर पंखे के सामने इस तरीके से आप लहसुन में छिलके डालेंगे तो ये छिलके कहीं उड़ेंगे ही नहीं और फर्श वगैरह ज्यादा गंदा होगा ही नहीं। तो इस टिप्स को आप जरूर अपनाएं और सबके साथ लहसुन छीलें और लहसुन छीलने का मजा लें। लहसुन ऐसे जब साथ में छीलते हैं तो बहुत सारे लहसुन छील लेते हैं और लहसुन छील के तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से तो हमने बातों बातों में आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितना सारा लहसुन छील के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारा छिलका पानी के अंदर एकदम स्टोर हो चुका है, फर्श वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा, चलते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ।
अगला टिप्स हमारा झाड़ू और मोजे को लेकर है। अब आप सोचेंगे कि मोजा क्या होगा, तो जी हाँ, अगर आप ये टिप्स देख लेंगे ना तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का टिप्स है, बहुत ही गजब का टिप्स है। आप भी झाड़ू को मोजा पहनाने लगेंगे। आपके पास जो भी खराब मोजे पड़े होंगे, आप इस टिप्स को देख के कभी भी मोजे को फेंकेंगे नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले मोजे को झाड़ू में पहना लेना है। आप जैसे भी जिस तरीके से पहना पाए उस तरीके से इसको अच्छे से पहना लेना है, जैसे आपको पहनाने में आसानी हो, या इस तरीके से इसको मोड़ के भी पहना सकते हैं। ये तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब आप सोचेंगे कि पहना के झाड़ू से क्या होगा, तो बहुत ही कमाल का टिप्स है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आप यही टिप्स बार बार फॉलो करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे हमने झाड़ू में मोजे को पहना के तैयार कर लिया है। अब क्या होता है, कहीं भी दराज वगैरह होता है उसके नीचे हमारा हाथ नहीं जाता है, तो इस झाड़ू से हम उसके नीचे पोछा वगैरह लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से पोछा लग जाता है। हल्का सा मोजे को गीला कर लें और इस तरीके से झाड़ू में पहना लें, और चारों साइड जहाँ भी हो वहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा? अगर वैसे मोजा आप नहीं पहनाते हैं तो उसके नीचे साइड थोड़ा सा कट लगा दें। कट छोटा ही लगाएं, बड़ा कट ना लगाएं। बड़ा कट लगा देंगे तो मोजा नीचे रास्ते से भी निकल जाएगा, इसलिए छोटा कट लगाएं और ऊपर के सिरे से झाड़ू में ऐसे पहना दें। इसका और टिप्स है, मैं आपको कमेंट करने पे बताऊंगी। बहुत ही कमाल का टिप्स है मोजे और झाड़ू का। तो आप हमें कमेंट करके बताएं वो टिप्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरीके से आप जहां चाहें तहां इससे पोछा लगा सकते हैं। तो ये सारा टिप्स हमारा आपको कैसा लगा? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।